हेलो गाइस, हम बात करने वाले हैं एथर इंडस्ट्रीज इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी का कंसोलिडेटेड रिजल्ट आप लोगों के सामने प्रेजेंटेड है। सारी अमाउंट्स वो रिजल्ट्स के अंदर लेक्स के अंदर बताई गई है। क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस के ऊपर रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे। ये इस क्वार्टर का रिजल्ट, पिछले क्वार्टर का रिजल्ट, ये पिछले साल सेम क्वार्टर का रिजल्ट देखने को मिल जाता है। कंपनी की इनकम की बात करें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम को मिलाकर कंपनी का टोटल इनकम 1,843.71 मिलियन रुपीज़ का देखने को मिल जाता है, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस के ऊपर और पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले कंपनी की इनकम में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ जाती है। बाकी इस कंपनी के एक्सपेंस की बात करें तो टोटल यहाँ पर से कॉस्ट ऑफ रूम मटेरियल के अंदर इन्वेंटरी कॉस्ट एंड अलग अलग कॉस्ट को मिलाकर कंपनी का टोटल एक्सपेंस यहाँ पर 1,322.16 मिलियन रुपीज़ का कंपनी का टोटल एक्सपेंस देखने को मिल जाता है। जिस प्रकार से कंपनी की इनकम बढ़ी है ना, वैसे वैसे करके कंपनी के एक्सपेंस भी बढ़ते हुए नजर आ जाते हैं। बाकी इस कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो टैक्स एंड एक्सपेंशनल आइटम काटने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है 3,075.59 मिलियन रुपीज़ का, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस के ऊपर ऑलमोस्ट 25 मिलियन रुपीज़ के आसपास का नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुआ है। बाकी पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले भी कंपनी के नेट प्रॉफिट्स में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल जाता है। बाकी इस कंपनी के EPS अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो यहाँ पर 3.02 रुपीज़ के देखने को मिल जाते हैं, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस के ऊपर और पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले कंपनी के EPS में भी बढ़ोतरी होती हुई नजर आ जाती है। ओवरऑल इस कंपनी का जो रिजल्ट है वो मेरे हिसाब से तो भाई एक अच्छा रिजल्ट है, डिसेंट रिजल्ट आप लोग बोल सकते हो, बहुत अच्छा नहीं, बहुत बुरा नहीं, इस प्रकार का रिजल्ट है। बाकी एक्सपेक्टेशन को कंपनी ने मीट कर लिया है, ठीक है। बाकी यार इस कंपनी ने यहाँ पर से अच्छे रिजल्ट के साथ साथ कुछ और भी अनाउंसमेंट किया है। कंपनी यहाँ पर से फंड रेज करने वाली है आने वाले समय में। कंपनी यहाँ पर 7,500 मिलियन रुपीज़ का यहाँ पर टोटल फंड रेज करेगी, ऐसा कंपनी का प्लान है। और ये फंड रेजिंग यहाँ पर कंपनी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर या कन्वर्टेबल डिबेंचर या बॉन्ड्स के द्वारा कंपनी कर सकती है, फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स के द्वारा कंपनी कर सकती है। इसी के साथ साथ कंपनी ने एनुअल जनरल मीटिंग का 16 जून 2023 को यहाँ पर डेट भी रखा हुआ है। तो जो आप लोग यहाँ पर एथर इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टेड हो तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रख के चलना। बाकी रिजल्ट अच्छा है, कंपनी के रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए इस कंपनी के शेयर में होल्ड एंड कंटिन्यू किया जा सकता है। बाकी ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क की हाई रिवॉर्ड वाली कंपनी है। इस कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा आने वाले समय में वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो जो आप लोग इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करके रखे हो या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ना, तो ये सभी चीज़ों का ध्यान में रख के, मतलब चीज़ों को ध्यान में रखे हुए चलना। कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी कर सकती है, मल्टी बैगर रिटर्न भी कमा कर दे सकती है, पर रिस्क भी इतना है। मतलब आप लोगों का जो पैसा है, आप लोगों ने लाख रुपये लगाए हुए हैं तो उसके अंदर 80-90% का गिरावट भी आ सकता है और 800-900% का रिटर्न भी मिल सकता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, लव, गुड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।